जैसे कि आप देख रहे हो गुरुपुरब की अवसर पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ तो दिल्ली के चाइना चौक बाजार में भी नहीं होती जितनी भीड़ यहाँ पे है। अमृतसर रह चुका है 31 किलोमीटर। सत श्रीकाल जी, मैंने थले जाना, तुम्हें किधर जावा जी? पहला उठा देना वो फिर थले जाना पड़ा। किधर है मैंने? पहला उठा देना वो फिर थले जाना पड़ा। बन गया नहीं? नहीं नहीं। हाँ जी, बढ़िया मोटरसाइकिल है। हाँ, बम्पर ने दुआया। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज है 8 नवंबर और आज के दिन गुरुपुरब है और मैं जा रहा हूँ अमृतसर। मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकल चुका था मैं घर से, और मेरे घर से अमृतसर है 190 किलोमीटर। ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है, ट्रिप ही कह सकते हो क्योंकि 190 किलोमीटर थोड़ा कहीं कम नहीं होता। ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है मेरी KTM RC के ऊपर। मेरे पास पहले जो पल्सर NS थी उसमें मैंने कोई ट्रिप नहीं किया था और कोई व्लॉग भी नहीं डालता था क्योंकि सुबह स्टार्ट हुई 4 से। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जीरा, तो ये जीरे से पहले आता है ढाबा। ये खड़ी अपनी KTM। अभी मैं जीरा पहुंच चुका हूँ, जीरा से अप्रोक्सीमेट ये अमृतसर 90 किलोमीटर ही है। ये अपनी KTM सामने समीरा होते हुए अभी मैं पहुंचा हूं जीरे। जीरे से अप्रोक्सीमेट 90 किलोमीटर रह चुका है अमृतसर, आधा कवर कर लिया है मैंने। क्योंकि व्लॉग मैंने इसलिए लेट शुरू किया क्योंकि यार सुबह 5 बजे इतना अंधेरा था, इसलिए मैंने ये सोचा यार कि शूट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए अपन लेट शुरू करेंगे। मेरे को चले हुए तो हो गए 2 घंटे बठिंडा से, आराम से जा रहे हैं, 100-120 की स्पीड पे जा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं अपन को। ये रही अपनी बीस्ट द KTM RC 390। अभी मॉडिफिकेशन आने वाले टाइम पे आएंगी, बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन आएंगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसके ऊपर बबल वाइजर, बबल वाइजर के बाद आएंगे इसका ये वो जो है फ्रेम स्लाइडर्स, बहुत ही अच्छी कंपनी का लगवाएंगे अपन। ऐसे नहीं है कि जो भी मार्केट में आते हैं वही उठा के लगा देंगे, बहुत बढ़िया कंपनी का लगवाएंगे अपन। चलो जी चलते हैं, अभी मैं चाय पीने रुका था, चाय चूय पी लिया अपन ने, अब आगे का सफ़र तय करते हैं जो रह चुका है 90 किलोमीटर। चलो जी
क्या सीन है। कौन कौन इस जगह पे उसको जानता है मुझे वो कमेंट करे, कमेंट करके बताए। क्या सीन है भाई, वाह। आपको रिएक्शन दिखाऊं, रिएक्शन रिएक्शन तो बाद की बात देखेंगे, पहले ट्रक को जाना तो आगे फिर दिखाते हैं रिएक्शन। बस कर मम्मा तो सड़क ही जाना तो ना। लो शुरू होता है रिएक्शन। चलो 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 अमृतसर रह चुका है 130 किलोमीटर्स, सॉरी 31 किलोमीटर्स। अभी हम पहुंचने वाले हैं तरन तारण। सनराइज ऑलमोस्ट हो चुका है, टाइम भी आपको दिखाई देते हैं भैया। टाइम हो चुका है 8 बज गए और मैं घर से निकला था 5:50 पर। इतना लंबा सफर यार केटीएम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी हमारा तो ड्रीम ही है जो सारी राइड करनी है, बाइक के ऊपर ही करनी है। सारी मेरी डे साइड जो है उनको भी बाइक के ऊपर ही करेंगे इन फ्यूचर। बाकी चलो चलते हैं अमृतसर, आपको दरबार साहिब के दर्शन कराएंगे। पहले खुद करेंगे फिर आपको कराएंगे। साथ ही चलेंगे भैया अमृतसर तक, बाकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
ठंड बहुत है भाई, पूरी फट चुकी है, पूरी फट चुकी है भाई ठंड की वजह से। यो यो हानी सुनो, हम पहुंच चुके हैं अपन यार। अपनी बाइक ऐसी गर्म हो रही है, एक बस छोटी सी फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। बच्चियाँ तो काम करनी भी है, बाबा जी की हो लो जी। पहुंच चुके हैं अमृतसर, जैसे कि आप देख रहे हो ये है निशानी यहाँ के अपने गुरु और पीरों की। अभी एक छोटी सी रील बना जाता हूँ मैं, फिर चलते आगे भाई। अपनी बाइक है दिल्ली नंबर, लोग सोच रहे हैं कि ये दिल्ली से आया। अभी एक भाई अपने पास आए, बोले कि आप दिल्ली से आए हो, मैंने बोला हाँ भाई थोड़ा सा जिंदगी में मजाक मस्ती करना चाहिए। अमृतसर पहुंचते ही अपन ने करा ली है टैंकी फुल, लड़के ब्यूटीफुल कर गई चुल, अपनी टैंकी हो गई फुल। देख लो जी अमृतसर की गलियां। भाई दरबार से इधर जाना है, मैंने थले जाना कि मैं किधर जावा जी। पहला उठा देना वो फिर थले जाना पड़ा। किधर मैंने पहला उठा देना वो फिर थले जाना देना। समझ गया। नहीं नहीं सामने इधर थले जाओ। ठीक है सामने। ठीक शुक्रिया। बढ़िया मोटरसाइकिल। हाँ जी बढ़िया मोटरसाइकिल। हाँ हाँ बब्बे ने दवाया years later। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। लो जी अपन पहुंच चुके हैं अमृतसर। ये है अमृतसर का चौक, जिसको बोलते हैं बाजार हिंदी में। वो सामने जलियांवाला बाग मार्केट है अमृतसर की।
यहाँ पे सब कुछ मिलता है ए टू जेड। पहले ये इनकम्प्लीट थी मार्केट जब मैं आया था, पहले जब तब ये बन रही थी फ्लोर वोर सब कुछ, अभी ये नया बन के रेडी हो चुका है। लो जी, नो वर्ड्स ऑफ दिस स्टैचू, देखेंगे। चलो जी मिलते हैं बाद में। बाकी मैंने हेलमेट अपना कैरी किया हुआ, सारा कुछ बैग में डाल चुका हूँ, राइडिंग गियर। चलो जी, लो जी अपन पहुँच चुके हैं दरबार साहिब के गेट के बाहर। अभी यहाँ से एंट्री है, यहाँ से अपन अंदर चलेंगे हम दरबार साहिब के। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरी मार्केट दिख रही है और ये फव्वारा जो कभी चलता है कभी बंद हो जाता है और अच्छा मनोरंजन कर रहा है ये। चलो जी चलते हैं अंदर, मैं यहाँ से वीडियो नहीं बनाऊँगा, वीडियो बाद में बनाऊँगा, आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा थोड़ा दृश्य है। चलो जी, लो जी दर्शन कर लीजिए दरबार साहब जी के। लो जी अब अपन लगेंगे लाइन में दरबार साहब जी के अंदर जाने के लिए, मत्था टेकने के लिए। धन धन श्री गुरु रामदास जी, यहाँ से लाइन स्टार्ट है अंदर तक। हम दर्शन करके आ चुके हैं, ये रही देख वो रहे अपने दरबार साहब बाबा जी के दर्शन करके आए हैं, आ चुके हैं हम बाहर। अब बाबा जी की ब्लेसिंग हमारे साथ है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता यूट्यूब पर मशहूर होने से। जो भी मेरे भाई देख रहे हो मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपन करते हैं ब्लॉग को एंड। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।